Welcome students, how are you? I hope so you are all fine at your home. Today's our subject is Hindi, standard 4th. चैप्टर नंबर 2 बढ़ते कदम. आगे के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 बढ़ते कदम अभ्यास 5 तक कंप्लीट किया था. आज हम वो वर्कबुक करेंगे, तो उसमें फर्स्ट जो अभ्यास है वो देखेंगे. निम्नलिखित हिंदी वर्णों अंग्रेजी में लिखिए. उसमें हमें क्या करना है, क लिखा है तो उनका अंग्रेजी हमें लिखना है. तो क का क्या होगा, के ए, ख का के एच ए, च का सी एच ए, ज का जे ए, ई का आई, ज का जेड ए, फ का एफ ए, ण का एन ए, ब का बी ए, भ का बी एच ए, ल का एल ए, उ का यू, अ का ए, द का डी ए का ई. ओके स्टूडेंट, तो ये जो हिंदी वर्ण है उनके अंग्रेजी आपको लिखने हैं. सेकंड अभ्यास में है यह है यानी कि दिस इज, वह है यानी कि दैट इज. ओके, तो वो भी हमने देखा है था कि यह है किसको कहते हैं और वह ये किसको कहते हैं, कि नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है. तो नज़दीक जो चीज़ है उनको हमें, उनके लिए हमें बात करनी है तो हम यह बोलेंगे, और जो हमसे दूर है और उनके लिए हमें बात करनी है तो हम क्या कहेंगे, वह. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यह पतंग है, वह पतंग है, ये पतंग दूर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वह पतंग है. यह पुस्तक है, वह पुस्तक है. यह घोड़ा है, वह घोड़ा है. यह आम है, वह आम है. यह मोटर है, वह मोटर है. यह बंदर है, वह बंदर है. यह डाकिया है, वह डाकिया है. तो ये जो डाकिया है वो हमारे सामने है और ये डाकिया जो है वो थोड़ा दूर है, तो हम क्या कहेंगे, वह डाकिया है. अब हम उनका अभ्यास कर लेंगे. तो स्वाध्याय है, क्वेश्चन 1, चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह शब्द लिखे. तो हमें शब्द में ये जो चित्र दिया गया उसमें हमें देखना है कि कौन सा यह है और कौन सा वह है. तो ये पेंसिल है वो हमारे पास है, तो यह पेंसिल है वैसे लिखेंगे. और ये जो गाय खड़ी है वो थोड़ी दूर है, तो हम क्या कहेंगे, वह गाय है. ओके, यह मेज है, वह ऐनक है. यह डिब्बा है, वह लड़की है. यह फूल है, वह साइकिल है. यह खिड़की है, वह कौवा है. यह कुत्ता है, वह पेड़ है. यह कुर्सी है, वह लड़का है. क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह में यह या वह लिखिए. तो यहाँ पे लिखना है कि ये पेड है, तो यह पेड है. वह बकरी है. यह गिलास है. वह बादल है. बट ये जो नल है वो कैसा है, दूर है, तो क्या लिखेंगे हम, वह, वह नल है. यह नदी है. यह पत्र है. वह पतंग है. वह हाथी है. यह पौधा है. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा अभ्यास नंबर 2 कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3. यह है और ये है. यह है यानी कि दिस इज सिंगुलर. ओके, और ये है यानी कि प्लूरल, एक से ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे, दिस आर.
नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह और एक से अधिक वस्तु या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। ओके, नजदीक कोई भी प्राणी है, नजदीक है और उनको हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? यह और एक से ज्यादा वस्तु है, ओके, तो हमें क्या बताना है? ये। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, यह हाथी है और वही हाथी ज्यादा है, तो हम क्या बताएंगे? ये हाथी है। वैसे ही यह लड़का है, ये लड़के है, यह लड़की है, ये लड़कियां है, यह माला है, ये मालाएं हैं, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं, यह कबूतर है, ये कबूतर है। ओके, तो अब हम उनका स्वाध्याय करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, चित्र देखकर खाली जगह में यह या के ये शब्द लिखिए। तो इसको हमें बताएं तो क्या बताएं कि यह तोता है, ये तोते हैं, यह कुत्ता है, ये कुत्ते हैं। ज्यादा है छाते तो क्या कहेंगे? ये छाते हैं, यह छाता है, यह केला है, ये केले हैं, ये बैल है, यह बैल है, यह पैड है, ये पैड है, यह खिड़की है, ये खिड़कियां हैं। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, खाली जगह में यह या ये लिखिए। तो दरवाजा है, तो यह दरवाजा है, दरवाजे हैं तो क्या आएगा? ये दरवाजे हैं। यह फूल है, ये फूल है, यह सड़क है, ये सड़के हैं, यह गाय है, ये गाये हैं, यह मेज है, ये मेजे हैं, यह पेंसिल है, ये पेंसिले हैं। ओके, तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए यह या ये। तो फर्स्ट है लड़का है, तो है तो क्या आएगा? यह लड़का है। सेकंड लड़कियां है, तो क्या आएगी? ये लड़कियां हैं। मोटरे है, तो क्या आएगा? ये मोटरे हैं। फोर्थ साइकिले है, तो क्या आएगा? ये साइकिले है। मकान है, यह मकान है। छाते हैं, ये छाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो यह चूहा या चूहे हैं, तो क्या आएगा? यह है तो चूहा आएगा, यह चूहा है। ये लड़के हैं, क्या आएगा? ये लड़के हैं। ये गमले हैं, यह कापी है, ये चींटियां हैं, यह नाव है, ये बछड़े हैं, यह तितली है। ओके, अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर चार, वह है और वे है। वह है उसको क्या कहेंगे? दैट इज। और ये वे है तो क्या कहेंगे? दोज आर। दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह और एक से अधिक वस्तु या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है, जो हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा है। प्राणी या वस्तु के लिए, एक के लिए हम बात करेंगे बट हमसे दूर है तो क्या कहेंगे? वह। और उनसे दूर तो है हमारे साथ बट वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे? वे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, वह चूहा है, वे चूहे हैं, वह ताला है, वे ताले हैं, वह माली है, वे माली है, वह सैनिक है, वे सैनिक है, वह बादल है, वे बादल है, वह तितली है,
वे तितलियां हैं, वह कुर्सी है, वे कुर्सियां हैं, वह बकरी है, वे बकरियां हैं, वह माला है, वे मालाएं हैं। अब हम उनका स्वाध्याय देखेंगे, समझिए और लिखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया, वह तोता है, वे तोते हैं, तो वैसे ही हमें लिखना है कि वह घोड़ा है, वे घोड़े हैं, वह कुत्ता है, वे कुत्ते हैं, वह खिलौना है, वे खिलौने हैं, वह बाजा है, वे बाजे हैं, वह बछड़ा है, वे बछड़े हैं। सेकंड में, वह किसान है, वे किसान हैं, वह फूल है, वे फूल है, वह आम है, वे आम है, वह सुनार है, वे सुनार है, वह पेड़ है, वे पेड़ है, वह पहाड़ है, वे पहाड़ है, वह विमान है, वे विमान है, वह बालक है, वे बालक है, वह दीपक है, वे दीपक है। अब थर्ड में आएगा, वह आदमी है, वे आदमी है, वह माली है, वे माली है, इंसान के बारे में बात करेंगे। वह धोबी है, वे धोबी है, वह हाथी है, वे हाथी है, वह यात्री है, ये यात्री है, वह मंत्री है, वे मंत्री है। फोर नंबर, वह माला है, वस्तु के बारे में, वह माला है, वे मालाएं हैं, वह बाला है, वे बालाएं हैं, वह छाया है, वे छायाएं हैं, वह लता है, वे लताएं हैं, वह शाला है, वे शालाएं हैं। फिफ्थ नंबर, वह किरण है, वे किरणें हैं, वह सड़क है, वे सड़कें हैं, वह गाय है, वे गायें हैं, वह पुस्तक है, वे पुस्तक है, वह मोटर है, वे मोटरें हैं, वह कली है, वे कलियां हैं, वह लड़की है, वे लड़कियां हैं, वह खिड़की है, वे खिड़कियां हैं, वह टोपी है, वे टोपियां हैं, वह तितली है, वे तितलियां हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो। रंगीन पेंसिल है, क्या आएगा, वह रंगीन पेंसिल है, मेरी किताबें हैं, वे मेरी किताबें हैं, लड़के कहाँ जा रहे हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, गुलाब का सुंदर फूल है, वह गुलाब का सुंदर फूल है, वे दोनों अच्छे खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखे। वह प्याला है, वे मालाएं सुंदर है, वह इमारत छोटी है, वे चार केले हैं, वे खिड़कियां बंद हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे अभ्यास नंबर फाइव। यह यानी कि दिस इज, वह दैट ही इट, उस वह और उस, ये यानी कि दिस इन, और वे यानी कि दे या तो दोस उन, पढ़िए और समझिए। यह तनिष है, इसके पास किताब है, ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे है, वह कौवा है, इस उसका रंग काला है, वे दो पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। अब हम करेंगे स्वाध्याय, कोष्टक से उच्च शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। फर्स्ट, यह गाय है, पूंछ लंबी है, तो क्या हम लिखेंगे, इनकी या इसकी, तो लिखेंगे इसकी पूंछ लंबी है। ये कुत्ते हैं, इस इनके मुंह में रोटियां हैं, वह घोड़ा है, उसका रंग सफ़ेद है, वे फूल हैं, उनका रंग सुंदर
है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो हमने टेक्स्ट बुक के अंदर अभ्यास 5 तक कंप्लीट किया था उनका यहाँ पे एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 6 देखेंगे। तब तक आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है अभ्यास 1 से लेके अभ्यास 5 तक वो आपको कंप्लीट करना है और लर्न करना है।